हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माय ऑल टाइम फेवरेट ब्यूटी सीक्रेट, जो कि स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है एंड इंस्टेंट ग्लो एंड हाइड्रेटेड बनाता है। होममेड राइस सीरम, आपने सही सुना। कौन जानता था कि राइस आपकी स्किन के लिए हैरत अंगेज काम कर सकता है। लेट मी टेक टू योर जर्नी ऑफ फ्लॉलेस स्किन विद दिस DIY राइस सीरम। तो इस अमेजिंग से राइस सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना मेन इंग्रेडिएंट लेना है, जो कि ऑफ कोर्स राइस ही है। एंड टेक 2 टेबलस्पून ऑफ इट, एंड इट डज़ नॉट मैटर कि आपके चावलों की क्वालिटी कौन सी है, जस्ट मेक श्योर कि ये क्लीन होने चाहिए। सो इसको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। सो इस तरह से आपने साफ सुथरे बाउल में डाल देना है। एंड इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी, और पानी भी आपका जो है वो या तो मिनरल वाटर हो या फिर इसको बॉयल कर सकते हैं। बट आई एम यूजिंग दिस रोज वाटर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर स्किन। सो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हम राइस के साथ साथ रोज वाटर को हम यूज़ करें। इसके साथ इसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए तो आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए जो है ना वो छोड़ देना है। इस तरह से तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर रोज वाटर शामिल करना है। आफ्टर 2 to 3 आवर्स आप देखेंगे कि जो इसके अंदर पानी या फिर रोज वाटर जो हमने शामिल किया था उसका कलर टोटली चेंज हो चुका है, यानी जो राइस का एक्सट्रैक्ट है वो हमें अच्छे से मिल चुका है। इसको अच्छे से छान कर चावलों और पानी को अलग कर लें। चावलों को भी आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको कोई मास्क बनाकर अप्लाई कर लीजिएगा। और अब सीरम जैसी कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाजार वाला एलोवेरा जेल। जेल को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाना है एंड मिक्स करना है जितना कि सीरम की कंसिस्टेंसी होती है, यानी थोड़ा सा ये रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप राइस की क्रीम बनाना चाहते हैं तो आप एलोवेरा के जेल को ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ऐड कर सकते हैं। आई लव दिस सीरम एज डेली स्किन केयर रूटीन बिकॉज ये ना सिर्फ मेरी स्किन को सुपर सॉफ्ट एंड सपल बनाने में मदद देता है बल्कि ये डार्क स्पॉट्स को भी फिट करने में बहुत मदद देता है। और नेक्स्ट हमारा अमेजिंग सा जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन, बिकॉज ये हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करने में मदद देता है। चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत तो रहती ही है। सो थोड़ी सी क्वान्टिटी ग्लिसरीन की ऐड करने के बाद इसको अगेन हमें अच्छे से मिक्स करना है। नेक्स्ट हम इसमें अमेजिंग सी चीज़ ऐड करेंगे वो है विटामिन ई एवियन के कैप्सूल्स। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप सिर्फ 1 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 400 mg के 2 कैप्सूल शामिल किए बिकॉज मेरी स्किन तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। और बस रेडी हो चुका है हमारा अल्टीमेट होममेड राइस सीरम फॉर रेडेड स्किन। सो आपने इस तरह की कोई भी सीरम बॉटल ले लें, इसको क्लीन एंड ड्राई करने के बाद अपना मैजिकल राइस सीरम इसके अंदर आप ऐड कर दें। यू कैन स्टोर दिस सीरम फॉर अ वीक, इसको फ्रिज में रख के स्टोर करना है और डेली आपने इसको अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करना है। सो जंट ड्रॉप्स आपकी स्किन के लिए ये इनफ है, और हल्के हल्के आपने हाथों से मसाज करनी है एंड लेट योर स्किन ग्लो। सो अप्लाई करने के फौरन बाद ही आपको इंस्टेंट ग्लो मिलती है, आपकी स्किन सुपर सॉफ्ट एंड सपल बन जाती है। सो मार्केट वाले सीरम से ये वाला सीरम कहीं गुना बेहतर है बिकॉज आपने इस सीरम को खुद अपने हाथों से घर पे बनाया है, और एंड यू यूज 100% राइस एक्सट्रैक्ट। ये सीरम आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इवन आउट स्किन टोन। इट्स लाइक अ स्पा डे इन अ बॉटल। सो दिस इज माई फेवरेट सीरम एंड लेट मी टेल यू हाउ आई यूज इट एज माई डेली स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं एक अच्छी क्वालिटी के फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करती हूँ, और देन आई अप्लाइड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ आ मॉइस्चराइजर। एंड इसके बाद जो है ना आई अप्लाइड जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सीरम एंड और बस हल्के हल्के हाथों से इसके मसाज करने के बाद अपने स्किन के अंदर इसको अच्छे से पेनिट्रेट कर लेती हूँ। इट फिल्टर्स वैन यू हैव गॉट योर होम मेड राइस सीरम, एम आई राइट? So, what are you waiting for? Make your own rice serum and treat your skin well because it deserves better. Your skin will thank you. Trust me. Hopefully, आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप सबके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। सो राइस सीरम को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।